भूलकर भी किसी से उधार में न लें। ये सात चीजें। हो सकता है भारी नुकसान। कई बार देखा जाता है कि हमारी जरूरत की कोई चीज घर में मौजूद नहीं होती है और हम उसे आसपास के लोगों से या किसी करीबी मित्र से उधार ले लेते हैं। कई ऐसी चीजें जो हम उधार लेते समय सोच भी नहीं सकते हैं कि ये ज्योतिषीय कारणों से भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और इनका भविष्य में बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। दरअसल लोग कोई सामान लेते समय यह नहीं सोच पाते हैं कि ये किसी कारणवश उन्हें परेशानी में डाल सकता है। किसी दोस्त से उधार में पैसे लेना, किसी खास रिश्तेदार से सुहाग का सामान लेना, घर में नमक या चीनी खत्म होने पर पड़ी ढोसी से उधार लेना, ऐसे न जाने कितनी बार आपने भी चीजें उधार लेकर इस्तेमाल ली होंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि भूल कर भी आपको यहां बताई गई सात चीजों को कभी भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। सुहाग का सामान, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी से भी उधार में सुहाग का कोई भी सामान न लें। ऐसा माना जाता है कि सुहाग का सामान उधार लेने और इस्तेमाल करने से जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। खास तौर पर आपको कभी भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर और चूदी उधार लेकर इस्तेमाल न करें। ऐसा करना आपके पति के जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कपड़े न लें। उधार शास्त्रों के अनुसार कभी भी किसी और के इस्तेमाल किए हुए कपड़े न पहने। ऐसा करने से आपको कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और ऐसा करना मित्रों के साथ संबंध खराब कर सकता है। घड़ी डीडी ही न लें। उधार ज्योतिष की माने तो कभी भी किसी की घड़ी उधार में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी दूसरे की घड़ी उधार लेने से अपना समय भी खराब हो सकता है। ऐसा करना आपके जीवन में दुर्भाग्य को न्योता दे सकता है। रुमाल न लें उधार। ऐसा माना जाता है कि कभी भी किसी खास मित्र या रिश्तेदार से रुमाल उधार में नहीं लेनी चाहिए। यदि आप उधार में किसी का इस्तेमाल किया हुआ रुमाल लेते हैं तो ये लड्डी ढाई का कारण बन सकता है। बिस्तर न लें उधार। कभी किसी और का भी इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर इस्तेमाल में न लाएं। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में खटास आती है। किसी से भी बिस्तर उधार न लें, यह आपके घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू न लें उधार। शास्त्रों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है, लेकिन यदि आप किसी दूसरे के घर में इस्तेमाल की गई झाड़ू उधार में लेती हैं और उससे घर की सफाई करती हैं तो ये आपके घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। कभी भी जादू न तो किसी को देनी चाहिए और न ही किसी से उधार लेनी चाहिए। नमक न लें उधार। अक्सर महिलाएं घर में कोई चीज खत्म हो जाने पर पड़ी डीडी हौसी से उधार लेती हैं। नमक और चीनी उधार में लेना एक आम बात है, लेकिन आपको कभी भी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक उधार लेने से आप उस व्यक्ति के कर्जदार हो सकते हैं। यदि आप घर की समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तो आपको यहां बताई चीजों को कभी भी उधार में नहीं लेना चाहिए। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।